नमस्कार दोस्तों, आपका इस शो में स्वागत है। देखिए, यदि आप किसी अनपढ़ आदमी को अखबार पकड़ा दे जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो वो क्या करेगा? वो अखबार में फोटोज देखता रहेगा, शब्दों को देखता रहेगा, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। इसी तरीके से यदि आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपको कैंडल्स समझना, उनको रीड करना आना चाहिए। आप चार्ट देखेंगे, लेकिन वो चार्ट क्या कहना चाह रहा है, कैंडल्स क्या कहना चाह रही है, आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो, कोई भी चीज़ हो, उसको समझने के लिए बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और चार्ट को देखने के लिए जो बेसिक्स होते हैं, चार्ट के लिए जो बेसिक्स होती हैं, वो होती हैं कैंडल्स। क्योंकि हम जब चार्ट देखते हैं, तो हम कैंडल्स की फॉर्म में उसको समझने की कोशिश करते हैं। कौन सी कैंडल क्या कह रही है, इसको समझने के लिए आपको कैंडल्स की नॉलेज होना जरूरी है। कि हैमर क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, स्पिनिंग टॉप क्या होता है, मारुबोसु क्या होता है, आपको इस सब की नॉलेज होनी चाहिए। हमने एक फ्री कोर्स क्रिएट किया है, जिसमें मैंने 5 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है। ये हमारी 6th वीडियो है, जिसमें हम समझेंगे कि इन्वर्टेड हैमर क्या होता है और शूटिंग स्टार क्या होता है। यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो आप ये कोर्स को शुरू कर सकते हैं। 5ों वीडियोस को देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारी 6th वीडियो है और इस कोर्स को हम जल्दी ही 2-4 वीडियोस और बना के ख़त्म कर देंगे। तो आप इजीली पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को इन वीडियोस की मदद से समझ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इन्वर्टेड हैमर, हाउ डू आई लुक? इन्वर्टेड हैमर कैसे दिखाई देता है, आपको उसे कैसे पहचानना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, इन्वर्टेड हैमर का जो लिटरल मीनिंग होता है, वो होता है हथौड़े को उल्टा कर दो, तो उसकी शेप जो बनेगी कुछ वैसे ही कैंडल हमारी दिखती है। आप देख सकते हैं पिक्चर में, एक ये हैमर है, हथौड़ा है, जो कि उल्टा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैंडल कैसे दिखेगी। बिल्कुल हथौड़े की शेप में दिखेगी। आप देखेंगे कि इसकी जो बॉडी है वो छोटी होती है। इसकी जो विक होती है, इसको हम अपर विक बोलते हैं। अपर विक लंबी होती है, ये बॉडी की शेप जो होती है वो छोटी होती है। इसका कलर जो है वो ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। इस तरह का इन्वर्टेड हैमर आपको दिखाई देगा। पॉइंट्स रिमेंबर, हमें ध्यान क्या रखना है, देखिए सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि जो इन्वर्टेड हैमर होती है, वो जनरली कहाँ बनती है, डाउन ट्रेंड में, बॉटम पे। यानी कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो गिरती आ रही है, ठीक है, कहीं बॉटम पे आके ये एक फॉर्मेशन होगी इन्वर्टेड हैमर की। अब यहाँ से क्या है कि प्राइस जो है यहाँ से रिवर्स हो सकता है, बट हमें कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करना चाहिए कि क्या जो हम डिसीजन लेने वाले हैं रिवर्सल का, वो कन्फर्म हो रहा है या नहीं। तीसरा यह है, ये रेड कलर की भी हो सकती है और ग्रीन कलर की भी हो सकती है। अब हम सीखेंगे कि इसे ट्रेड कैसे किया जाता है। देखिए, ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जब आप कैंडल को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेना है आइसोलेशन में, यानी कि केवल उसी के बेसिस पे आपको अपना ट्रेड नहीं लेना है। उसके साथ आप जो है अपने सेटअप को भी मिक्स करना है। नेक्स्ट कैंडल का वेट आप कर सकते हैं और अपने सेटअप का वेट कीजिए, जो आपके एक जो इंडिकेटर्स हैं या सेटअप आपने बना रखा है उसके साथ इसे कंबाइन करना होता है। इसमें आपको जो स्टॉप लॉस, ये मान लीजिए एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गई, उसके बाद जो कैंडल बनी है उसके जो लो है कैंडल का, इन्वर्टेड हैमर का, उसको ब्रीच नहीं किया है, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल के बाद आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस होगा, वो जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है उसका जो लो होगा, वहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट कैंडल, या तो आप नेक्स्ट कैंडल के स्टार्ट पे ही ट्रेड को ले सकते हैं, या आप नेक्स्ट कैंडल के क्लोजिंग का वेट करने के बाद भी इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको नेक्स्ट कैंडल पे ही ट्रेड करना है, आप उसके बाद भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, कुछ फॉर्मेशंस देखेंगे जहाँ पे ये हमें इन्वर्टेड हैमर दिखेगा। ये देखिए, निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये आप देखेंगे डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे आप देखिए, एक ये इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन हुई है और ये हुई है नवंबर 30, 2021 में। नवंबर 30, 2021 में देखिए इन्वर्टेड हैमर, इसकी जो विक है, अपर विक, ये देखिए कितनी लंबी है और इसकी जो बॉडी है वो छोटी है, और ये डाउन ट्रेंड में ही बना है। एक तो और एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इन्वर्टेड हैमर नवंबर 1 को बना है। ये देखिए, ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे 1 नवंबर को ये इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन हुई है। अब हम समझेंगे शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार,
शूटिंग स्टार का मतलब क्या होता है, देखिए ये मैंने एक पिक्चर लगा रखी है शूटिंग स्टार, इसमें आप देखेंगे तो आपको दिखेगा इसकी एक लंबी सी एक विक है, अपर विक कितनी लंबी है ठीक है, और बॉडी जो है वो छोटी है। इसी तरीके से कैंडल बनती है, इसकी विक बहुत लंबी होती है, बॉडी छोटी होती है। विक बहुत लंबी है और बॉडी जो है बहुत छोटी है। अब हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो अपर विक बन रही है यानी कि बायस जो है अपना कंट्रोल लूज कर रही है, जो बायस है वो अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं। और ये कब बनता है, ये फॉर्मेशन बनती है अप ट्रेंड में, यानी कि स्क्रिप्ट जो है ऊपर जा रही है और कहीं पर टॉप में जाके टॉप के आसपास आपको शूटिंग स्टार की जो फॉर्मेशन है वो आपको दिखेगी, यानी कि बायस का कंट्रोल अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और सेलर्स हावी हो सकते हैं। जी हाँ, मैंने कहा आपसे हो सकते हैं, ऐसे गारंटी नहीं है कि होंगे ही, तो आपको एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक रिवर्सल हो सकता है, बियरिश रिवर्सल हो सकता है, यानी कि अभी तक जो ट्रेंड था बुलिश था, अब एक बियरिश रिवर्सल वहाँ से स्टार्ट हो सकता है। ये देखिए ये एक अप ट्रेंड है, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। ये चार्ट इंडसियन बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है जो अक्टूबर 28, 2021 में बना है। अप ट्रेंड, शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन हुई है, वो यहाँ से देखिए जो है सेलर्स यहाँ पे हावी हो गए हैं। उसी तरीके से एक और देखिए फॉर्मेशन, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये 18 जनवरी 2022 में ये बना है ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है आपको, जो ये कैंडल बनेगी उसका जो टॉप होगा यानी कि हाई जो होगा वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना है। दोबारा से मैं कहूँगा आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना है, इसके साथ अपने सेटअप को भी आपको मिक्स करना है। आप नेक्स्ट कैंडल का वेट कीजिए, नेक्स्ट कैंडल या उसके बाद आप ट्रेड को ले सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार अपने सेटअप के अनुसार आपको ट्रेड शुरू करना है। बट आपको देखिए नॉलेज होनी चाहिए कि यहाँ पे आप इस पोजिशन में होनी चाहिए कि आप ये बोल पाएँ कि ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ और उसको बोल पाएँ, समझ पाएँ कि यहाँ से हो सकता है कि रिवर्सल आ जाए। आई होप दोस्तों आपको ये जो हमने दोनों कैंडल समझी हैं वो समझ में आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पुराने वीडियोस भी हमारी देखिए, ये हमारी 6 वीडियो हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए आप उसे मिस ना करें। ये अभी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसके बाद हम डबल और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न को भी समझने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।